वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग को बीए से लेकर एमए तक पढ़ना होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब संज्ञानात्मक विकास, और संज्ञानात्मक विकास में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हमेशा आपसे पूछी जाएगी, इवन आप एमए के बाद नेट देंगे अगर तो भी आपसे जरूर पूछा जाता है, इसमें जियां पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप इसको देखिए और समझिए क्या कह रहा है ये। सबसे पहले तो जाने की कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन रिफर्स टू थिंकिंग एंड मेमोरी प्रोसेसेस, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन दीज प्रोसेसेस। मतलब कॉग्निशन किसको कह रहे हैं कि हमारी जो सोचने के तरीके हैं, जो सोचने की संक्रिया है और जो हमारा मेमोरी प्रोसेस है, उसी को कॉग्निशन कहा जाता है कि कैसे हम सोचते हैं, कैसे हमको चीजें याद रहती हैं। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको कहेंगे? रिफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन दीज प्रोसेसेस। मतलब हम जिस तरीके से सोचते हैं और जिस तरीके से हमारे दिमाग में कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, इन्हीं का जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, यानी कि लंबे समय तक यही जाकर क्या हो जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब कैसे छोटा बच्चा किस तरह से सोचता है और बड़ा आदमी वयस्क कैसे सोचता है, तो जो थिंकिंग प्रोसेसेस की डेवलपमेंट है, यही बातें हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में करेंगे। और एक बात और आपको ध्यान देने की कि पियाजे साहब ने सबसे पहले ये बताया कि जो छोटा बच्चा है यानी कि जो चाइल्ड है, लोग पहले इसके पहले क्या मानते थे कि चाइल्ड जो है वो इंटेलेक्चुअली इंफीरियर है इन कंपैरिजन टू एडल्ट, इसलिए वो उस तरीके से नहीं सोच पाता है जैसे कि वयस्क व्यक्ति सोचता है। जबकि पियाजे साहब ने हमको बताया कि नहीं, छोटा बच्चा कम इंटेलिजेंट नहीं है, बस उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है एडल्ट की, डिफरेंट है। छोटा बच्चा भी, चाइल्ड भी, मिनिएचर एडल्ट, मतलब छोटा बच्चा भी उस तरीके से सोच सकता है जैसे कि जब वो एडल्ट हो जाएगा, यानी कि उसको वो सारी स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेंगी, इसीलिए इनकी जो थ्योरी है उसको स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्विस सॉरी साइकोलॉजिस्ट नेम जियां पियाजे हैज प्रपोज्ड अ कॉग्निटिव स्टेज थ्योरी। तो पियाजे साहब ने हमको एक स्टेज थ्योरी दी। स्टेज थ्योरी मतलब चरणबद्ध तरीके से, यानी कि फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, यानी कि कोई स्टेप आपको बीच में से मिस नहीं करना है। और क्या? पियाजे क्रिएटेड एंड स्टडीड एन अकाउंट ऑफ हाउ चिल्ड्रेन एंड यूथ ग्रेजुअली बिकम एबल टू थिंक लॉजिकली एंड साइंटिफिकली। मतलब पियाजे ने ये हमको बताया अध्ययन करके कि जो बच्चा है और जो यूथ यानी युवा है, कैसे वो लॉजिकली और सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली सोचने लगता है, उसका प्रोसेस क्या है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा हम सभी जानते हैं लॉजिकल तरीके से नहीं सोच पाता है। तो वो कौन से चरण हैं जिनसे छोटा बच्चा सीखते सीखते उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां की वो लॉजिकल बात करने लगता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है उसके पास। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं स्टेज डेवलपमेंट थ्योरी। तो स्टेज डेवलपमेंट थ्योरी में क्या है कि लर्निंग प्रोसीडेड बाय द इंटरप्ले ऑफ, यानी कि सीखना कैसे होता है, अधिगम कैसे होता है, इंटरप्ले है, यानी कि चल रहा है साथ साथ, क्या चल रहा है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब एडजस्टिंग न्यू एक्सपीरियंसेस टू फिट प्रायर कंसेप्ट, यानी कि हमारे दिमाग में किसी भी चीज को लेकर पहले कंसेप्ट एक बना हुआ है और हम जब कुछ नया सीखते हैं तो जो नया अनुभव हमको मिलता है वो पुराने या प्रायर कंसेप्ट में फिटिंग हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या है? एसिमिलेशन की है। और एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में क्या करना है हमको कि एडजस्टिंग कंसेप्ट्स टू फिट न्यू एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमको जो नया अनुभव मिल रहा है अगर वो पुराने अनुभव से फिटिंग नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो ये प्रक्रिया है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में हमको चेंज नहीं करना है, बस फिटिंग करना है। एकोमोडेशन में हमको पुराने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एडजस्ट भी करना है। तो ये दोनों एसिमिलेशन और एकोमोडेशन मिलके सीखना किसी भी चीज का तय करता है। ये बात हमको पियाजे साहब ने बताई। और क्या पियाजे ने कहा कि पियाजे प्रपोज्ड दैट कॉग्निशन डेवलप्ड थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस। सबसे खास बात, इसीलिए इनकी थ्योरी को स्टेज डेवलपमेंट थ्योरी भी कह रहे हैं, क्योंकि विशिष्ट चरण है जिनको हमको पार करना होगा फ्रॉम बर्थ थ्रू द एंड ऑफ एडोलेसेंस, यानी जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जाकर हम इन चरणों के तहत होते हुए सीख जाते हैं कि कैसे सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, लॉजिक कैसे आता है हमारे दिमाग में। फिर स्टेजेस का क्या मतलब? स्टेजेस मींस अ सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग पैटर्न्स, यानी सोचने का जो पैटर्न है उसका जो सीक्वेंस है, चरणबद्ध तरीका, उसी को स्टेज कहा जा रहा है। So, अब जानते हैं कि की फीचर्स ऑफ स्टेजेस क्या है, यानी कि जो चरण इन्होंने बताए उसके मुख्य सेलियंट फीचर गुण क्या है। सबसे पहली बात, दे ऑलवेज हैपन इन द सेम ऑर्डर, यानी कि वो हमेशा उसी चरण में होंगे।
होंगे, कोई भी बच्चा होगा वो उसी चरण में सीखेगा, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा नहीं होगा कि कोई फोर्थ पहले सीख लेगा, फिर थर्ड सीखेगा, फिर बीच में फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। हैपजर्ड मैनर में नहीं चलना है, सीक्वेंशियल है। पहली बार नो स्टेज इज एवर स्किप्ड, यानी कि कोई भी स्टेज ऐसी नहीं होगी जिसको कि हम छोड़ेंगे, हमको हर स्टेप को, हर स्टेज को पढ़कर आगे बढ़ना है। फिर ईच स्टेज इज अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेज बिफोर, यानी कि जो प्रत्येक चरण है वो उसके पिछले चरण का क्या है, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि कोई विशिष्ट, कोई उसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तब पिछले स्टेज से हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ पहुंचे हैं। और ईच लेटर स्टेज इनकॉर्पोरेटेड द अर्लियर स्टेजेस इनटू सेल्फ, और जो बाद की स्टेज है वो पिछली सारी स्टेजेस की जो फीचर्स हैं वो अपने आप में समेकित किए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज के बाद जब सेकेंड में जाते हैं तो सेकेंड में ऑलरेडी फर्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, थर्ड में फर्स्ट प्लस सेकेंड तब थर्ड, और फोर्थ में फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ। यानी ऐसा नहीं होता कि हम जब फोर्थ स्टेज में पहुंचते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब हमारे पास से हट जाता है, वो सब हमारे पास उस वक्त भी रहता है। तो कौन सी चार स्टेजेस बताई उन्होंने, चार स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मोटर की। तो चूंकि ये स्टेज है और उन्होंने ईयर उसके मार दिए लमसम ईयर की, बर्थ से लगभग 2 साल तक की एज तक बच्चा इस तरीके से सोचता है या इस स्टेज पर होता है। कौन सी स्टेज, सेंसरी मोटर। क्यों सेंसरी मोटर इसको कहा गया, ये कह रहे हैं कि इट इज द पीरियड, ये वो समय है व्हेन इन्फेंट्स, यानी कि जो नवजात शिशु है वो कैसे सोचता है, थिंक बाय मींस ऑफ देयर सेंसेस एंड मोटर एक्शंस, यानी कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और कुछ हाथ पैर की क्रियाओं के द्वारा सोचता है। क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि छोटा बच्चा सिर्फ यही दो काम है जो वो कर पाता है। जो सबसे खास बात है, देखिए हर स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, और आप अगर आंसर लिखेंगे तो आपको जरूर उसका जिक्र करना चाहिए। जब आप सेंसरी मोटर स्टेज का जिक्र कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट परमानेंस बताए बिना ये स्टेज खत्म नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज, यानी कि 2 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण, पियाजे कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस एज सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता का सेंस आ जाता है, और क्या, अ बिलीफ, एक विश्वास, क्या विश्वास, दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, यानी कि वो जो वस्तु है वो रहती है, वेदर और नॉट दे आर एक्चुअली प्रेजेंट, चाहे वो एक्चुअली प्रेजेंट हो या एक्चुअली प्रेजेंट ना हो। अब इस चीज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है हम उसको कुछ खिलाते हैं, कुछ दिखाते हैं, तो हम कोई चीज दिखाते हैं फिर छुपा लेते हैं, जब हम छुपा लेते हैं तो वो उस चीज को भूल जाता है और कोई दूसरी चीज में खेलने में लग जाता है। लेकिन वही बच्चा 6 महीने का बच्चा जब बड़ा होते होते 2 साल तक पहुंचता है तो हम उसको अगर कोई चीज दिखाकर छुपाते हैं कि नहीं वो चली गई, उसको कौवा ले गया, उसको ये ले गया, वो ले गया, तो वो समझता है कि नहीं हमने उसको छुपा लिया है, एक्चुअली वो है कहीं ना कहीं। तो ये जो स्टेज है ये इसको नाम दिया इन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि जो वस्तु है वो परमानेंटली है भले हमें दिख रही है या नहीं दिख रही, ठीक है। अच्छा एक और खास बात इसमें क्या कि इट मार्क्स अ सॉरी क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक गुणात्मक रूपांतरण हो रहा है इसमें, इन हाउ ओल्डर इन्फेंट्स थिंक अबाउट एक्सपीरियंस कंपेयर टू यंगर इन्फेंट्स, यानी दोनों ही इन्फेंट है लेकिन जो ओल्डर इन्फेंट है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचता है छोटे बच्चों के मुकाबले। तो यही बात क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो उन्होंने सेंसरी मोटर कहा, उन्होंने कहा 2 से लगभग जन्म से लेकर 2 साल तक, और प्री ऑपरेशनल लगभग 2 से 7 वर्ष तक हमारे लिए, यानी कि बच्चों की सोचने की थिंकिंग पैटर्न इस तरीके से होती है। किस तरीके से, चिल्ड्रन यूज देयर न्यू एबिलिटी टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जो बच्चे हैं वो अपनी ये जो न्यू एबिलिटी है, जो नई योग्यता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, बट दे डू नॉट येट डू इट इन वेज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड और फ्रीली लॉजिकल, यानी कि थोड़ा तो वो सेंसरी मोटर से आगे निकले हैं लेकिन अभी भी वो लॉजिक तक नहीं पहुंचे हैं, लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कौन से बच्चे, वो जो लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में आते हैं। तो क्या इस बात की खास, इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉग्निशन इज ड्रामेटिक प्ले, यानी कि इस जो स्पैन के बच्चे हैं वो ड्रामेटिक प्ले में रहते हैं, ये इनकी खास बात है। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा हम छोटे बच्चे कोई ऐसे खेल खेलते हैं तो कहते हैं हम टीचर बन जा रहे हैं, तुम स्टूडेंट बन जाओ, फिर वो जैसे स्कूल में देखते हैं अभी मैम होगी वो कॉपी चेक कर रही है, ऐसे तुमको गुड, तुमको वेरी गुड दे रही है, तो ये एक प्ले है,
ड्रामेटिक प्ले, मतलब कि वो ये मानते हैं कि वो ड्रामा है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो इस तरीके का वो मैडम नहीं बने, वो सचमुच के टीचर नहीं है, उनके साथ वाला दोस्त सचमुच का बच्चा नहीं बना है, बस वो ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा ड्रामेटिक प्ले खेल रहे हैं, यानी कि उनकी थिंकिंग पैटर्न थोड़ी एडवांस होकर उस स्टेज में चली गई जहाँ पे वो दोनों रियलिटी और वर्चुअल चीज में अंतर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दो लेवल पे बच्चा सोच रहा है, कौन से दो लेवल, चिल्ड्रेन आर थिंकिंग ऑन टू लेवल्स, पहला है इमेजिनेटिव जिसको वो कल्पना कर रहा है कि मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो, एंड दी अदर रियलिस्टिक जबकि वो जानता है कि हम दोनों क्या है बच्चे हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं खेल खेल रहे हैं। फिर दिस ड्यूअल प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस मेक्स ड्रामेटिक प्ले एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ मेटाकॉग्निशन, यानी कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के पास, छात्र के पास मेटाकॉग्निशन की फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्टेज आ जाती है जहां वो सोचने लगता है कि सोचना कैसे है। तो ड्रामेटिक प्ले जो है वो प्री ऑपरेशनल की खास बात हो गई। सेंसरी मोटर की क्या थी, ऑब्जेक्ट परमानेंस थी, फिर और रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड मॉनिटरिंग ऑफ थिंकिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो ये दो स्टेजेस हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का मतलब कि अब बच्चा सेंसरी मोटर क्रॉस कर चुका है, प्री ऑपरेशनल क्रॉस कर चुका है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस भी जानता है, ड्रामेटिक प्ले है उसके पास, वो मेटाकॉग्निशन को थोड़ा बहुत समझने लगा है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का स्पैन क्या है, 7 से 11, यानी कि लगभग 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे होंगे तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में होंगे अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे क्यों इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पियाजे कॉल्ड दिस पीरियड द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बिकॉज चिल्ड्रेन मेंटली ऑपरेट ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, मतलब जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और इवेंट बच्चे को दिख रहा है वो उस पर ऑपरेट कर पा रहा है, उस पर अपनी संक्रिया कर पा रहा है, इसीलिए इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का नाम दिया गया। और क्या कर सकते हैं इस स्टेज के बच्चे, दे आर नॉट येट एबल, मतलब अभी भी इस योग्य नहीं हुए हैं, however to operate systematically about representations of objects or events, यानी अभी भी वो logically नहीं सोच पा रहे लेकिन फिर भी वो concrete objects पे अपनी operations कर पा रहे हैं, thinking operations। फिर this thinking differs from pre-operational thinking in two ways, तो pre-operational से ये कैसे अलग है, दो तरीके से अलग है। पहला वन डिफरेंस इज रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया क्या, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि हमको पता हो कि 1+3=4 है तो 4=1+3 होगा, ये जो उत्क्रमणीयता का कंसेप्ट है वो यहाँ पर बच्चा समझने लगता है। और क्या, और दी एबिलिटी टू थिंक अबाउट दी स्टेप्स ऑफ ए प्रोसेस इन एन ऑर्डर, यानी कि उसको पता है कि कोई चीज है उसकी प्रोसेस का एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करके वो प्रोसेस हो पाएगी। ठीक, सॉरी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे कॉल्ड दिस पीरियड द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये तो हो गया था 8, अच्छा चलिए वो स्लाइड कहीं मिस हो गई, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट है और डी सेंटर का कंसेप्ट है, यानी कि वो ये भी जान पाता है क्वांटिटी, जैसे कि हम छोटे बच्चे को क्या कहते हैं कि एक चॉकलेट को दो हिस्से में तोड़ के दे देते तो वो खुश हो जाता है, कहता है अरे वाह मेरे पास एक है और तुम्हारे, मेरे पास दो है तुम्हारे पास एक है। लेकिन कॉन्क्रीट जो इसके पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जब बच्चा आता है तो उसको ये पता होता है कि नहीं वो एक ही चॉकलेट है जिसके दो टुकड़े किए गए हैं, इसका मतलब हमको आप मूर्ख मत बनाइए, हमको पता है कि एक ही चॉकलेट के दो टुकड़े हैं, यानी कि ये लॉजिक अब बच्चे के पास आने लगा है थोड़ा थोड़ा किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। और इसके बाद की जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल से होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल का मतलब 11 एंड अबव, यानी कि एडोलेसेंट स्टेज में बच्चा कैसे सीखता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है कि हम फॉर्मली ऑपरेट करने लगते हैं चीजों पे, यानी कि सिर्फ कॉन्क्रीट नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी हमारे अंदर आ जाती है। और ये जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि हम हाइपोथेसिस करने लगते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अंकगणित पहले पढ़ाई जाती है और बाद में बीजगणित पढ़ाई जाती है। क्यों बीजगणित पहले ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बीजगणित में हमको परिकल्पना करनी है कि माना कि एक खेत है उसकी एक भुजा क है, तो ये सब मानना है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो वही बच्चा सीख सकता है जिसके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जिसके पास हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की क्षमता है, जिसके पास लॉजिक है। इसीलिए
अगर आपसे ये कहा जाए कि आप पियाजे की थ्योरी का एजुकेशनल इंप्लीकेशन बताइए, तो आप ये बताएंगे कि चूंकि हमको पता है कि छात्र इस तरीके से सीखता है, तो हम उसी हिसाब से करिकुलम निर्माण करेंगे, उसी हिसाब से करिकुलम निर्माण करेंगे जैसे कि उसका स्टेज है। यानी कि आप छोटे बच्चे के कोर्स करिकुलम में लॉजिक का हिस्सा नहीं डालेंगे, बल्कि उसमें क्या डालेंगे, प्ले डालेंगे। बड़ा बच्चा हो जाएगा, एडोलेसेंट स्टेज पे हो जाएगा, तो वो लॉजिक समझ पाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। फॉर्मल ऑपरेशनों की एक स्लाइड कहीं मिस हो गई, कोई बात नहीं, मैं आपको उसका मैटर बाद में दे दूंगी। और फिर एक बस दो मिनट की बात आपसे कह दूं, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। कई बार हम लोग पूरा पियाजे की थ्योरी पढ़ के निकल जाते हैं, हमको पता नहीं होता है कि इनका जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी से भी कोई संबंध है। तो इसको सुनिए, क्या कह रहे हैं कि पियाजे वॉज नॉट प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। जो पियाजे थे वो बालक के विकास में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट इन दी नेचर ऑफ नॉलेज, बल्कि वो ज्ञान के प्रकृति के बारे में जांच कर रहे थे कि हाउ इट कुड बी सीन एज ए फॉर्म ऑफ एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, कि नॉलेज कैसे जनरेट हो रही है, कैसे हम वातावरण के प्रति अनुकूलन करके सीख रहे हैं। ही डिस्क्राइब्ड हिज वर्क एज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, इसीलिए उन्होंने अपने काम को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का नाम दिया। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी वो अध्ययन की वो शाखा जिसमें हम ये जानेंगे कि ज्ञान का विकास और ओरिजिन यानी उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पियाजे साहब जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी से कंसर्न हैं, रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आप इसको पढ़िए और समझिए कि इसमें कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो फिर से उस पर बात करेंगे। ठीक है, डन।